वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों चले राधिका, मोहन क्यों है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। जमुना तट नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले काना ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। तन मन डोले गाना ऐसी बंसी मधुर बजाए। तन मन डोले गाना ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। तन मन डोले गाना ऐसी बंसी मधुर बजाए। सुधबुध भूली खड़ी गोपियां जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। येरी मैं तो हुई दीवाने मनमोहन मन भावन की। येरी मैं तो हुई दीवाने सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों चले राधिका, मोहन क्यों है सबका प्यारा। Oh,
गोविंदा। बोल रास बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री गोवर्धन नाथ, श्री कल्याण राय जी की, श्री अमुने महाराणी जी। अवधूत कोटि के महात्मा रहे, रास हुआ है, आनंद हुआ है, रास लीला में अद्वैत है। भागवत जी के दसम स्कंद में लिखा है, न पारये हम गिरवद संयुजाम ससाधु कृत्यम विबुधायु सावी वह या माम भजन दुर्जर गेह शंखला संवृच्य तद्वह प्रतियातु साधुना। श्री रामावतार में भगवान जी के ऋणी रहे श्री राम, कृष्णावतार में गोपियों के श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रति उपकार करो का तोरा। भगवान कृष्ण ने गोपियों के प्रति ऋणी, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। द्वारका में लीला मर्यादित है, गोकुल में लीला में प्रेम है, द्वारका जी की लीला में मर्यादा है। श्री कृष्ण रस स्वरूप है, वह मिलन पंच भौतिक शरीर का नहीं है, योगनाग्नि में जगल रहा है, आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपट आती थी। भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव के पास में एक युवक ने आके कहा, महाराज मुझे बताएं कि मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। उन्होंने कहा, भगवान को छोड़, मेरे को अभी गर्मी लग रही है, मैं गंगा में जा रहा हूं थोड़ा नहाने के लिए, मेरे साथ में चल, मेरे साथ में चल। ना आत्मा थी ले लो न्या, मुक्ति था। राम कृष्ण परमहंस देव पानी में गए, उस युवक को पूछा, तुझे गर्मी लगती नहीं? महाराज बड़ी लगती। निकाल कपड़े, पेन कॉपी, चल अंदर आ जा। गया पानी में, राम कृष्ण नहा रहे थे, युवक भी नहा रहा था। भगवान श्री राम कृष्ण परमात्मा ने युवक को गले से दबाया, सिर से पानी में डुबोच दिया। एक घड़ी क्या, आधी घड़ी, युवक छटपटाने लगा, निकालो, हाथ पांव छटपटाता है। रामकृष्ण निकाले नहीं उसे, बहुत छटपटाया, लगा मर जाएगा तो निकाला। वो हड़बड़ा गया था, क्या कर रहे थे? बोले, तुझे क्या हो रहा था? मुझे हो रहा था मैं कब यहां से झट बाहर निकलूं, इस संसार में से भी जब ऐसा लगे कि झट बाहर निकलूं, तब जाकर के तुम कृष्ण को पा सकते हो। सवेरे उठ के क्या चाहिए? हम लोग बोलते हैं, कराग्रे वसते स्पूनम, करमूले बिस्कुटम, करमदे तु टी पात्रम, प्रभाते कपदर्शनम। बोल चाय दिव्या माता की जय। एक महाराज ने कहा, महाराज ऐसा नहीं है, ये तो राम रस है। कैसे राम रस है? कैसे है राम रस? बोले, जब लक्ष्मण को मूर्छा आई हनुमान जी महाराज, जब गंधमादन पर्वत लेकर के हमारे हनुमान जी महाराज आए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रस निकाला, उस रस को सुषेण वैद्य को दिया, सुषेण वैद्य ने उस रस को हमारे रामचंद्र जी महाराज के अनुज लक्ष्मण महाराज को दिया। लक्ष्मण को जान आई, चेतना आई, प्राण में प्राण आया। अब वो रस निकाल करके जो पीछे कूचा बचा था उसको फेंक दिया गया, वो रोने लग गया। क्यों रो रहा था वो कूचा?
बोलते हैं कि जगत लात मारे तो राम शरण देते, जब राम ने हमारा त्याग कर दिया तो हम कहाँ जाए। उसकी ऐसी प्रार्थना से आनंद पूर्वक होकर के राम जी ने कहा, कलयुग में तुम्हारा कू निकल जाएगा, बाद में चाय रह जाएगा, और वही चाय जो है वो सवेरे सवेरे जो पियेंगे उसको चेतना आएगी, उसको स्फूर्ति आएगी, उसमें प्राण संचार हो जाएगा। जीव परमात्मा को मिलना चाहता नहीं है। हमारे यहां अन्नकूट हुआ दीपावली के दिन, ये स्टेज कितना बड़ा है, उतना बड़ा से स्टेज में इतना बड़ा अन्नकूट, 839 आइटम, कोई भगवान का दर्शन करके नहीं गया। मेरी कम भक्ति है, मैं आने से ही कहां गया कमलेश, ये लोग चाहते कि मैं मंदिर ना जाऊं, तुम्हारे पुजारी है क्यों, जाने से बोलूंगा देखो देवी का मुकुट टेढ़ा है, ये साड़ी ठीक नहीं, पल्लू नीचे करो, इसकी पल्लू ऊपर है, क्यों मैं भगवान को देखता हूं, मुझको क्या। आपने लोग बोलते हैं देखा देखा दाल इतनी मटकी में, मम्मी मम्मी दाल का रंग कैसा बढ़िया था, इतने बड़े बड़े पापड़ थे और मैसूर का तो इतना महल बना रखा था, चावल बासमती में लंबी मिर्ची खड़ी की थी मम्मी मम्मी। अब अन्नकूट में भगवान को देखने जाते नहीं, मिठाइयों के ढेर को जागते। हमारे जनक जी महाराज हैं, उनके यहाँ पर भी अष्टावक्र जी का आगमन हुआ था, उन्होंने भी उनके मार्ग में बड़े मिठाई का ढोर कर दिया था, ढोर कर दिया। पूछा आपने रास्ते में क्या देखा, कहा हमने चीनी के ढेर को देखा, मिठाई को नहीं देखा, चीनी के ढेर को देखा। हम आत्मा की विस्मृति कर जाते हैं, आत्मा की विस्मृति करने से ही परमात्मा से दूर रहते हैं। रास लीला है, वह रास लीला रसो वैश्य परमात्मा के साथ में तादात्म्य विषयम तयो तद्रूपता का भाव। अब कंस ने सोचा देखा कि अब कन्हैया हैं ब्रज में राजा बन रहे हैं, उन्होंने कहा अक्रूर जी से आप जाइए। अक्रूर जी ने कहा क्या करना है, कन्हैया को लेके आओ, हम यहाँ पर धनुष यज्ञ करेंगे, कन्हैया को मार देंगे। अक्रूर जानते थे कन्हैया तो भगवान है। अक्रूर आए, गोपियां रोने लगी है, राधे जो नहीं आई है, नहीं राधा जी नहीं आई है हमारे। गोपियां रास्ते में खड़ी हो गई। बंगाली की एक कवियत्री है कृष्ण की प्रेमी, उसने कहा माता यशोदा खीर लेके आई थी, उनका हाथ कांप रहा था, कांपते हाथों से उनकी खीर गिर गई, वो प्रत्येक दाना है इधर उधर गिरा हुआ था। कहते थे कांदे कांदे यमुना कांदे, रो रही है यमुना रो रही है, कांदे कांदे यमुना कांदे, प्रत्येक चावल का कण रो रहा है, हम प्रभु के मुख तक नहीं पहुंचे, हमारा दुर्भाग्य है। कुछ चावल की कण कहते रहे हमारा सौभाग्य, जहां से प्रभु ने इस भूमि के ऊपर अपने चरणों का स्पर्श किया है, इस भूमि के ऊपर आकर के हमें प्रभु के साथ में तादात्म्य की अनुभूति हो रही है, अपने प्रत्येक के भाव अपने। निके रहियो या सुमती मैया, निके रहियो या सुमती मैया, आवेंगे दिन चार पांच में हम बल दर धो भैया, निके रहियो या सुमती मैया, निके रहियो या सुमती मैया। कृष्ण का कवि भी फिर मथुरा आगमन नहीं हुआ, बलराम जी आए हैं, कृष्ण कभी नहीं आए, एक बार सबसे मिलन हुआ,
दसवां स्कंद उत्तरार्ध में आएगा। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय नंद बाबा, यशोदा जी, गोपियां, गोप तमाम आए थे, राधे जो नहीं आई थी, मिलन हुआ था। कृष्ण भगवान को ले गया गया। रास्ते में अक्रूर जी ने कहा, आपने नंद बाबा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, हमें भी कराएं। बाबा जी स्नान कर लो पहले, नदी में उनको भी एक दिव्य दर्शन हुए हैं। भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, बाजार में गए हैं, कपड़े हमारे रंग दीजिए। अरे हम तो राजा के धोबी हैं, हमारे तुम्हारे थोड़े हैं। कृष्ण ने जोर से एक मुक्की मारी थी, ले धोबी को कुबड़ निकल गई, आज भी कपड़े धो रहा है। मगर एक फूल वाली मालिन थी, उसने कहा, लाले तुम कितने सुंदर दिख रहे हो, तुम्हें हम फूल से सजाएं। मौसी मौसी, मौसी कहते, काहे, मामा के गांव की है ना, मामा की बहन लगी कि नहीं। मौसी मौसी, हम सबको आप फूल डाल देंगे, सबको डाल देंगे, मल्लिका के पुष्प, वेणी में जुई जाई चंपा, बड़े सुंदर सुंदर मालाएं श्री कृष्ण के हाथ में बांधी है, पांव में बांधी है, गले में माला लटकाई, पुष्प का मुकुट पहनाया, तमाम लोगों को इतना प्यार दिया। पुष्प का दाम बढ़ गया है, दुल्हा दुल्हन की शादी होती है, दो माला मंगाओ तो 25-25 हजार रुपये में एक आती है। क्यों, वो लाला बोल के गया था, तू चिंता मत कर, एक के 100 मिलते रहेंगे। भगवान को आप दोगे तो अनंत करके प्राप्ति होगी। भगवान को देना, भगवान से मांगना नहीं, वो तो जानते हैं। इस धरती में आप एक दाना लगाते हो, एक दाना बीजते हो, वो मकई का, वो मक्की में एक पेड़ में 4-4, 5-5 बूंद हो जाते हैं, एक एक में 100-100 दाने लगती है। एक को अनंत करने की शक्ति ईश्वर की, हम क्या उसको देने वाले हैं। चंदन लेकर के कुब्जा आई थी, कुबड़ी थी, सब उसको कुबड़ी कहते थे। भगवान ने कहा, बो बो सुंदरी, उसका चेहरा गुलाबी हो गया, मुझे सुंदरी कहा है, कहाँ जा रही हो, मैं तो महाराज श्री कंस के लिए चंदन लेके। अरे थोड़ा हमें भी तो लगा लो मौसी, वो कुबड़ी ऐसे करके करके आई। कृष्ण परमात्मा ने अपने बाएं पाएं पांव के अंगूठे से पूतना के ये कुब्जा के दाहिने पांव का अंगूठा दबाया है और यहाँ से ऊपर उठा दिया। इसलिए हमारे अहमदाबाद में एक स्पाइन हॉस्पिटल है, वहाँ पर लिखा हुआ है, द फर्स्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर द स्पाइन इज लॉर्ड कृष्ण, ही करेक्टेड कुब्जा स्पाइन। बहुत बड़ी छवि लगाई कुब्जा की और कृष्ण की, बहुत लिखा हुआ है कि स्पाइन का सबसे पहला सर्जन भगवान कृष्ण। अरे स्पाइन का क्या, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन हुए। कोलिया पीड़ के यहां भी गए हैं, उसके पहले धनुष जहां रखा था वहां गए। हम थोड़ा देखेंगे बोल करके धनुष का टंकार किया है, वो इतना घोर टंकार था कि कंस भी डर गया। कुल्यापुर हाथी को मदोन्मत किया गया था, उसके साथ युद्ध करके दोनों ने उसके जो बड़े बड़े दांत थे निकाल लिए, वो छटपटा के मरा। उसको मदोन्मत किया गया था, मदिरा पान कराया गया था। कृष्ण बलराम ने कंस की सभा में प्रवेश किया है, हाथ में दांत लेकर के, दांत किसके, हाथी के दांत, खून से लथपथ, ऐसे लग रहा था कि सूर्य चंद्र है राहु केतु को अपने हाथ में पकड़ करके आ रहे। सब लोग डर गए,
फिर भी छानूर और मुष्टिक के साथ में युद्ध हुआ, दोनों को मार दिया। नंद बाबा भी आ गए थे, कलाला अकेला जाए, और ये ब्रज के तमाम लोग आ रहे थे, उनको देख करके कृष्ण भगवान ने हनुमान जी महाराज को प्रार्थना की, ओ महाराज नंद बाबा मुझको ना देखे, जो मुझको देखेंगे तो उनको हार्ट फेल हो जाएगा, इसलिए जब मैं कूदता रहूं तो नंद बाबा को यही दिखना चाहिए कि आप ही कूद रहे हो। कंस को मारा नहीं गया है, कंस भय से मरा है, कंस को अपनी ऊपर स्थिति से बाल खींच करके जब नीचे लाए वो छटपटा के मर गया है। पूतना का मोक्ष है, कंस का वध है। कंस की दो रानियां हैं अस्थि और प्राप्ति, उनके पिता जरासंध हैं, उन्होंने 28 बार हमला किया, प्रति बार वो पराजित होकर के गए। कृष्ण परमात्मा को लगा है उचित नहीं है, ये बार बार यहां रहने से उनकी हानि है हमारी भी हानि है, उचित है हम यहां से चले जाएं और एक महानिशा में तमाम यादव को लेकर के वो समुद्र में एक नगर बसाया, वहाँ चले गए, उसको द्वारका कहते हैं। बोले द्वारिकाधीश किंतु ये कई राजा थे, ये राजा थे, उनका नाम था मुचकुंद था, उन्होंने देवताओं की सहाय की थी। देवताओं ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, बोले मैं शांति से सोना चाहता हूँ और कोई अगर मेरे को जगा दे तो मेरी आंखों को देखने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से आए उनके पीछे काल यवन पड़ा हुआ था, भगवान ने अपना उत्तर यह है वो मुचकुंद के ऊपर डाल दिया एक गुफा में। काल यवन ने सोचा कृष्ण यहाँ के सो गया है, उत्तरीय को खींचा और जोर से लात मारी, मुचकुंद उठ करके बैठे, उनकी आंखों से जो एक दृष्टि हुई उससे कालयवन की मृत्यु हुई। भगवान द्वारका जी में आए हैं, द्वारका में आकर के हमारे बलराम जी हैं, उनका विवाह हुआ है, रेवत राजा की कन्या रेवती जी से, और भगवान की कृष्ण की बहुत ही यशोगाथा सुनकर के कुंदनपुर की कन्या रुक्मिणी के मन में आया कि हम कृष्ण को ही ब्याहेंगे, किंतु उनका भाई जो था रुक्मी वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन जो है वह कृष्ण से शादी कर, चाहता था कि वो दंत वक्त से शादी करे, शिशुपाल से शादी करे। भागवत जी में कुछ श्लोक हैं, रुक्मिणी माता ने पत्र लिखा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, बिनती सुनिए नाथ हमारे, बिनती सुनिए नाथ हमारे, बिनती सुनिए
विनती सुनिए नाथ हमारे। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर के पत्रवाहक द्वारका में आया है। प्रभु ने पूछा कब है विवाह? परसों है प्रभु। चलो, बलराम जी को जब ज्ञात हुआ कि कृष्ण जा रहे हैं अकेले उचित नहीं, तभी सेना के साथ में गए। भगवान कृष्ण आए हैं जान करके रुक्मणी जी के पिताश्री हैं, उन्होंने कृष्ण का स्वागत किया, एक महल में निवास करने को दिया। अब रुक्मणी जी हैं वो पूजा करने गई, उनको शिशुपाल दंत वक्त्र इत्यादि तमाम राक्षस विवाह करने के लिए चाहते थे, उनका स्वयंवर था। रुक्मणी पूजा करने गई, देवी की पूजा करने गई, मस्तक झुकाया, एक पुष्प सिर के ऊपर गिरा, उनको लगा कि उचित ही हो रहा है। और जब वो पूजा करने गई तब भगवान श्री कृष्ण जैसे कि बादलों में से एक बिजली चमके, ऐसे भीड़ में से बाहर आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और चल पड़े। वहाँ तो सब लोग कोई तीर कमान लेके नहीं आए थे, बालावर्षी नहीं आए, रुक्मिणी जी को देखने के लिए आए थे, शादी के पहले देखने की लालसा थी, कामना के पुरुष थे वो, लक्ष्मी के लिए नहीं आए थे, जगन मातृ के लिए नहीं आए थे, तृष्णा और वासनाओं की भूख लेकर के आए थे। वो तमाम देखते रह गए, सोचेंगे मेरा बल्लम कहाँ है, मेरा तूर कहाँ है, मेरा तीर कमान कहाँ है। तब तक भगवान कृष्ण चले गए, और जो पीछे जब राजा लोग आए उनको बलराम जी ने रोका, किंतु रुक्मणी जी के भाई रुक्मी हैं वो भगवान के पास एकदम पहुँच गए अपने रथ में। भगवान ने उसके बाल पकड़े, मारने को जब गए रुक्मणी जी ने कहा मत मारो, मेरा भाई आपका साला लगता है। थोड़े बाल काट करके उसको वापस भेज दिया। एक ही प्रकरण में एक ही श्लोक है भागवत जी में कि द्वारका में रुक्मणी जी का आगमन हुआ, तब द्वारका में रंगोलियां सजाई गई, बंधन बार हुए, पानी का छिड़काव हुआ और धाम धूम से द्वारका में नहीं है किंतु द्वारका से थोड़े दूर पोरबंदर के मार्ग पर माधोपुर गेड़, वहाँ जा कर के उनकी शादी हुई थी। ध्यान दें, ब्राह्मण हैं वो, जब पत्र लेकर के गए थे कृष्ण ने पढ़ा भी था, कृष्ण उनके साथ में आ गए। अब ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी माता जी से कहा कि माते ये कृष्ण आ गए हैं। रुक्मिणी जी को प्रसन्नता हुई, ब्राह्मण को प्रणाम किया, तीन प्रदक्षिणा की और थैंक यू कह करके भेज दिया, दक्षिणा नहीं दिया। दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, जब दक्षिणा नहीं देते हो तब राधा कृष्ण है। और द्वारका जी में अगर आप जाएंगे तो मंदिर में जो अष्टपटरानियों के मंदिर है उसमें रुक्मिणी जी नहीं है, रुक्मिणी जी 2.5 किलोमीटर दूर वहां रही हुई है। दक्षिणा देना आवश्यक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज आपसे दक्षिणा मांग रहा हूँ। हम बहुत छोटे रहे जब नए नए आए थे 1965 में, तो हम एक छोटे बच्चे को देखते थे, वह आश्रम में आकर के झाड़ू लगाता था, शिवानंद आश्रम में। उन दिनों में आश्रम में से बच्चों को ये सहाय देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाद में धीरे धीरे सहाय देने की व्यवस्था हुई। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और वो पास हो गए हैं तो उनका वो रिजल्ट लेकर के आए तो उनको अभी 1-2 लाख-3 लाख रुपए तक भी उनको सहाय अभी शिवानंद आश्रम से मिलती है। किंतु तो ये बालक जो है वो तो सफाई परिवारों का एक बालक था और वो बड़ा हो गया, हम चाहते थे पढ़ता रहे गुरु महाराज के सहाय से,
उसने बीए कर लिया, उसने एमए कर लिया, फिर भी वो आश्रम में झाड़ू तो लगाता रहा। अब धीरे धीरे करके बड़ा हो गया तो किसी सरकारी नौकरी में चला गया। अब उसके बेटे की बेटी की शादी है, वो यहाँ तो अभी हमारा संबंध कहीं रहा नहीं है। हमारा जो आश्रम है वो हमारा संबंध है, समाधि स्थान है, विश्वनाथ मंदिर है, संत लोग हैं, गुरुजन हैं, तो उनके दर्शन को हम जाते हैं, किंतु बाहर बाजार में कोई संबंध नहीं रहा। किंतु वो 3 दिन से बराबर आ रहा है। मुझको ज्यादा कोई तकलीफ जब हुई तब, अब मैं किसके पास जाऊं, बोला अब मैं किसके पास जाऊं। बोले स्वामी चिदानंद जी महाराज रहते थे तो मेरी बेटी की शादी वो ही करा देते थे। तो ये 3 दिन से आ रहा है और भीड़ में कहीं खड़ा रहता है, और मेरे को छोड़ के सबका फोली टेलीफोन नंबर है, मुझको फोन नंबर की सुविधा नहीं, मैं सुबह से शाम तक यहाँ रहता हूँ, मोबाइल हाथ में पकड़ के चलता नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है भाई, यहाँ जितना पैसा रखा हुआ है वो सारा भी उधर नीचे रख दिया जाए। और आप सबका कर्तव्य है कि ये रुक्मिणी विवाह अभी होगा, विधि से संपन्न होगा, 20 मिनट ऐसा तो संपन्न होगा, विधि है करना चाहिए। तो आप लोग जो भी पैसा देंगे अधिक से अधिक देने की कृपा करें, वट एवर योर पॉकेट कैन स्पेयर मोर इट मैक्सिमम इट पॉसिबल, तो उसको थोड़ा डालें। तो फिर हमने यहाँ उसको कहा था कि भाई तुम पूनम माता जी से कहा था कि आप आओ, उसका नाम गंगाराम है, इस गंगाराम इज हियर, गंगाराम जी यहाँ हैं क्या, कहाँ हैं, नहीं तो आगे आ जाओ, आगे आकर के यहाँ बैठ जाओ दैन्य। तो ये बच्चा है शिवानंद आश्रम का ये, और शिवानंद आश्रम की तो परंपरा अद्भुत रही। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज उठते थे तो सबसे पहले सफाई वाले माई को देखते थे, तो उसको प्रणाम करते थे उसके, तो वो जो सबसे पहले सफाई वाला आता था तो उसके चरणों में फूल रखते थे, उसके मस्तक फूल रख के प्रणाम करते थे। और जिस दिन हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, उनका डायमंड जुबली षष्ठाब्द पूर्ति हुआ, एक लंबी माला मैंने पहनाई थी गले से पांव तक, तो माला को पहन के ही स्वामी जी नीचे आए। नीचे आए तो शिवानंद आश्रम मेन जो आश्रम है और शिवानंद भवन के बीच में एक ब्रिज है, वहाँ पर एक सफाई वाला सफाई कर रहा था, बहुत पुराना है। स्वामी जी महाराज ने उसको दंडवत किया, उसको फूल की माला डाली। और इतनी बात नहीं, यहाँ पीछे एक नीलकंठ है, वो नीलकंठ में भी हम लोग जब जाते थे, बड़े स्वामी जी साथ में रहेंगे, खाना तैयार हो जाएगा तो पहली पत्ता लेकर के स्वामी जी महाराज वहाँ जो झाड़ू लगाता है सफाई करता है तो उसको वह करके देते, उसको हाथ में जा करके वो स्वामी जी उनको धन पैसा जा करके देते थे। तो हमने आज कहा कि भाई ये 3 दिन से बच्चा आता है, हम उसको देख नहीं पाते, पत्रिका हमारे पास में, तो हमने यही सोचा आप इतने सारे लोग हैं, वॉट एवर यू कैन डू द बेस्ट फॉर हिम। तो अभी रुक्मिणी विवाह होगा, हाँ, परमात्मा सभी का मंगल करे सभी का। ये देखिए सच बताएं, ये कथा है ना कम से कम 7 घंटा होनी चाहिए, अरे बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने उसको 6 घंटा नहीं 3 घंटा 3.5 घंटा कर दिया है। तो संक्षिप्त में कहना पड़ता है, मूल पाठ तो हम कर ही नहीं पा रहे, संगीत तो होना चाहिए था, कृष्ण आए तो संगीत आ जाता है, इसलिए उसके लिए बात नहीं सोचना, परमात्मा सभी का मंगल।
मारो राज आरे तमे सोनानी शरणाई रे मोल पधारो लाल मोटर आवी गुलाबी गजरो लावी मारा भाभी सासरिये लेर छे लाल मोटर आवी गुलाबी गजरो लावी मारा भाभी सासरिये लीला अमारा तो रुकमणी साड़ी पहरे तमारो कांजी एने स्त्री का अमारा रुकमणी साड़ी पेरे तमारो कान जी एनी स्त्री कर अमारा तो कान कुंवर मुकट पेरे तमारी रुकमणी एमा फूलब ए लाल मोटर आवी गुलाबी गजरोला मारा बाबी सासरिये लीला लेर लाल मोटर आवी गुलाबी ओम आगम्यताम 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 उपविशताम 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 आसन ग्रह्यताम 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 ओम गृह्णामि 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 मधुपर्क 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 भाई दूल्हे को बुलाओ यार ओम हस्ते जलमादाय हाथ में जल लीजिए ओम तीन दबे प्रक्षालनम कीजिए ओम प्राणाय स्वाहा बनाय स्वाहा धनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम नारायणाय इति हस्त प्रक्षालनम हाथ धो लीजिए अभी गणेश जी का ध्यान कीजिए गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू पद दारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम महागणपतये नमः ओम दुर्गा जी का ध्यान कीजिए ओम दुर्गे स्मृतारसि भीति नशेत जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का धन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता हरि ओम तत्सत गुरु देवताओं का ध्यान कीजिए अभी गोत्रों का उच्चारण कीजिए आपके कृष्ण हैं उनके माता पिता का नाम बोलिए लालो बोलो छे अभी मेरे माता कौन है वसुदेव देवकी जी हैं कि नंद बाबा है यशोदा है चलो दोनों लिख लो दोनों ही हैं तो तुम्हारा गोत्र कितना है गोत्र भी दो है अरे लाला तू पैदा हुआ तब से गड़बड़ानंद है अरे बोलो तो मेरा गोत्र गड़बड़ानंद है अभी लाला को बुलाएं पाद प्रक्षालनम हरि ओम मां
भेटो मांडवे तीरे साजन भेटो मांडवे वतीरे साजन भेटो जेम्स योगी जेम्स सुधा माता जी कल पैदा हुआ है कृष्ण जन्म में बोलो ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः जोर से बोलो ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः बीजू से बोलो ओम नमो नारायण बोलो नहीं ओम नमो नारायण है बोलो ओम भूर्भुवस्व अभी ये कृष्ण बना तो ठीक है कि नहीं भाई अब बोलो वेदों के नाम बोलो दादू को वेदों के नाम बोलो चार वेद कौन से बोलो सामवेद हाँ बोलो आगे ऋग्वेद सामवेद सामवेद अथर्ववेद अथर्ववेद अजुर्वेद और यजुर्वेद अरे नदियों का नाम बोलो नदियों के नाम बोलो नदियों के नाम बोलो सात नदी कौन सी और लगन चाले तो ऐसे करना पड़ता है गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी सिंधु ब्रह्मपुत्र बोल कृष्ण भगवान की जय इधर आओ ये आपका इधर लो थैंक यू बोलो वेलकम ए उसको माइक दो यार कोई पता चलेगा गीत गाओ ना पहला विवाह हो रहा है दूल्हा आ गया है दुल्हन भी आ गई है अंतरपट भी हो गया है अब पुष्पमाला होगा जय माला फरीन जा बच्चे नहीं आती फरीन जा फरीन जा फरीन Thank you.
जय माला पहनाई गई है आशीष शो प्रभु सदा भरत जो कुरिया मंगलम कुरिया सदा मंगलम वरमाला थी गई है व्यस्त मेला રામણી જે સારામાં સારી આપી શકો આપજો હમણાં બ્રાહ્મણ દેવતાઓને પણ આપો અહીંયા ઉપર બધા આવશો નહીં એ તો સ્ટેજ ગબડી પડે જે દંપતિ બેસેલા છે જો દંપતિ બેઠે હુએ આશ્રમ કે ભક્ત હૈ દોનો કે હી દો દો બેટે હૈ કન્યા નહીં હૈ કે વો દોનો મિલકર કે કન્યાદાન કર રહે હૈ મયુરકા બેન
फेरा भरे छे चार फेरे में चौथा फेरा पूरा हो गया है।
कन्या सावधान, वर पण सावधान, नक्की करवू पड़े भाई। वृंदा देवी नक्की करवू पड़े। आ कन्हैयो छे, कोई कहे छे एनी यशोदा माँ छे, कोई कहे छे देवकी माँ छे, कोई कहे कि भाई नंदबाबाईना पापा छे, कोई कहे कि ना एवं नहीं वसुदेव जी छे। शुरुआती अपलक्षण छे बधा। એટલે હવે ફટાણા કહેવા પડે ને, આવું કેવું પડે ને, તમારે હજી છોડવું હોય તો છોડી દો, કૃષ્ણાત પરત તત્વ કી મહમ ન જાને, જીવને મરણે નિત્યમ રાધે કૃષ્ણ ગતિર્મમ। હવે શું નાડાછેડી છોડવાની છે, છેડાછેડી છોડવાની છે અત્યારે? જય ઓ બિરાજમાન, બિરાજમાન, જય બોલ તુલસી મહારાણી કી, રુકમણી માતા કી, દ્વારિકાધીશ કી। અહીંયા રાધે રાધે ના બોલાય, ગડબડ થઈ જશે। રાધે વૃંદાવન, દ્વારકામાં કોઈ રાધે રાધે નહીં બોલે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે તો વૃંદાવન જાઓ। અભી ક્યાં બાકી ભાઈ? કમલેશજી, કમલેશજી અભી ક્યાં બાકી? ચલો સિંદૂરદાન કરો ભાઈ। શ્રી કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય ઓર રુકમિણી વિવાહ કે જો યજમાન હૈ ઉનકે નામ હૈ શ્રી જીતુભાઈ દવે, કમલેશભાઈ એન્ડ નીલમબેન ખન્ના, વિજયભાઈ એન્ડ પારુલબેન જાજલ, ઓર આજ આરતી કે જો યજમાન હૈ વો આગે આયેંગે સ્ટેજ કે પાસ, નીચે ડોક્ટર જયેન્દ્રભાઈ વસાવડા, ચૈતન્યભાઈ ત્રિવેદી, મધુબેન દવે, મનીષભાઈ માખીજા, નરેન્દ્રભાઈ સોની, ચંદ્રવદનભાઈ વ્યાસ, કિરીટકુમાર વ્યાસ, વીરભદ્રસિંહ ઝાલા, જયેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, ચંદ્રકાંતભાઈ દક્ષિણી, ઓર આજ પ્રસાદ કે જો દાતા હૈ વીરભદ્રસિંહ ઝાલા ઓર જયેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા। તો ભાઈ એ કન્યા નું સંગ
नारायण